बिग बॉस का ये पॉपुलर रनर अप जो है अब रोडीज के नए सीजन का मेंटर बनने वाला है। कौन है ये, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पे बताऊंगी। तो रोडीज का सीजन जो है नया 19 शुरू होने वाला है। जो प्रोमो आया है उसमें सोनू सूद को आप तो देख ही सकते हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि बिग बॉस का एक बहुत ही फेमस रनर अप जो है वो इस सीजन 19 में मेंटोर बनकर नजर आएगा। पिछले साल ये सीजन एक बार तब चर्चा में आया जब रणविजय, जो कि काफी समय से रोडीज के साथ जुड़े हुए थे, वो इस शो को अलविदा कह गए और उसके बाद उनकी जगह ली सोनू सूद ने। हालांकि एक्स कॉन्टेस्टेंट वर्सेस न्यू कॉन्टेस्टेंट था, जहां पर हर नए कॉन्टेस्टेंट को एक एक्स कॉन्टेस्टेंट के साथ पेयर अप किया गया। इसके बाद जो है ये सीजन काफी इंटरेस्टिंग निकला, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि ये सीजन बहुत ही ज्यादा और भी टफ और इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन इस सीजन में बिग बॉस के एक रनर अप हैं, वो मेंटोर बनकर सामने आए हैं और वो कोई और नहीं बल्कि प्रतीक सहजपाल है। नागिन 6 बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। नागिन के बाद प्रतीक ने क्या वाकई कोई नया प्रोजेक्ट साइन किया है, नहीं किया है, इसको लेकर किसी तरह का उन्होंने कुछ भी खुलासा नहीं किया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि वो रोडीज के इस नए सीजन में बतौर मेंटोर नजर आने वाले हैं। तो ये प्रतीक के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। और मैं अगर कहूं तो अपने उनके करियर ग्राफ को अगर देखा जाए तो इतनी कम उम्र में एकता कपूर के नागिन जैसे सीरियल को करना और उसके बाद रोडीज जैसे बड़े रियलिटी शो में मेंटोर बनना वाकई में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं प्रतीक को सीजन 19, रोडीज के सीजन 19 में देखने के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं।